नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी अपने कीबोर्ड को इस तरीके का लुक देना चाहते हैं? यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड को एक फ्लोटिंग का रूप दे सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड को रखना चाहता हूँ ये वहाँ पर ऐड हो जाता है ऑटोमेटिक। मान लीजिए आप किसी को चैट कर रहे हैं और यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड को कहीं पर भी उसको रख कर चैट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर चले जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है जी बोर्ड। इसका पूरा नाम है दोस्तों गूगल कीबोर्ड। जी हाँ, गूगल कीबोर्ड है। इसको आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ही आप अपने कीबोर्ड को एक फ्लोटिंग टैब दे सकते हैं। जैसे आपने इसको डाउनलोड किया, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पर आने के बाद एक एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लैंग्वेज इनपुट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको करंट कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो भी आपका कीबोर्ड लगा हुआ है आपके मोबाइल फ़ोन में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या है, चूज कीबोर्ड पर क्लिक करना है और आपको जो भी आपका पहले से लगा होगा आपको यहाँ पर गूगल कीबोर्ड को यहाँ पर लगा देना है। जी हाँ, आपको इसी को यहाँ पर ऑन कर देना है। जैसे मेरा यहाँ पर, मैं आपको पहले लगा के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर Xiaomi का लगा रखा है, मैंने इसको यहाँ से बंद कर देना है और ये बंद करने के बाद हमारा यहाँ पर गूगल जो कीबोर्ड है ये डार्क मोड में हो जाएगा और आपका ये लग जाएगा आपके कीबोर्ड पर। अब मैं आपको अपने व्हाट्सएप पर ले जाके दिखा देता हूँ कि आप इसकी सेटिंग को किस तरीके से अनेबल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो आपने कीबोर्ड डाउनलोड किया है, गूगल कीबोर्ड। तो आपको इसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी तब जाकर आप उसको फ्लोटिंग टैब दे सकते हैं। यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मेरा, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को हिंदी में कर रखा है, यहाँ पर देख लीजिए फ्लोटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ। देख लीजिए, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो कीबोर्ड हैं वो फ्लोटिंग टाइप में हो जाएंगे। जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप उसको बड़े आसान तरीके से रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, अब मैं इसमें कुछ टाइप करना चाहूँ तो यहीं से मैं इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, हटाने का भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप हटाने के बारे में तो बताते ही नहीं हो। तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पर दोबारा से चले जाना है और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग का जो आइकन है ये देख लीजिए, फ्लोटिंग आइकन है ये हमारा यहाँ पर ऑफ है। यहाँ पर आप इसको क्लिक कर देना है। ये देख लीजिए, क्लिक करने के बाद हमारा ये फ्लोटिंग टैब यहाँ से परमानेंटली हट चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड को एक नया लुक दे सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको फिर किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहो टेक्निकल हरीश यूट्यूब चैनल। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।